दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INDIE हिंदी टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के वीजा डेबिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया था, साथ ही साथ मास्टर डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया था। तो मास्टर डेबिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो मास्टर डेबिट कार्ड अभी किसी को नहीं मिला है, लेकिन अब तक आप लोगों को पता होगा कि वीजा डेबिट कार्ड का वीडियो आप फोटो में या फिर मान के चलो स्क्रीनशॉट वगैरह में देखते आ रहे हो। तो इस वीडियो में हम आपको लाइव बताएंगे कि यहाँ पर वीजा डेबिट कार्ड अकाउंट पर मिल चुका है, क्योंकि हमने भी वीडियो बनाया तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिया था। कुछ लोगों का कहना था कि ये एडिटेड वगैरह है, अभी तक वीजा डेबिट कार्ड नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वीजा डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि आप लोगों को वीजा डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम अकाउंट को हमने लॉगिन करके रखा है। यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, फिंगरप्रिंट से हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो डिजिटल डेबिट कार्ड है वह वीजा डेबिट कार्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आप लोग देख सकते हो वीजा डेबिट कार्ड जो कि यहाँ पर डिजिटल कार्ड है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड मिला होगा या फिर अभी भी अकाउंट ओपन करवाए होंगे, तो आपको यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड ही देखने को मिला होगा। तो ये कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा, वीडियो के अंत में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आपको अगर वीजा डेबिट कार्ड मिलता है तो इसे फिजिकली रूप में अपने घर पर अपने एड्रेस पर आप कैसे मंगवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग बैंक वाले ऑप्शंस में आ जाना, जहां पर आपका वीजा डेबिट कार्ड नजर आ रहा है उस वाले ऑप्शंस में आप आ जाना। आने के बाद आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको जो है मैनेज डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड की एक ऑप्शंस मिलेगा, तो इसी पर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने मैनेज डेबिट कार्ड ओपन होगा, जिसमें कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा जो कि अभी आप देख सकते हैं ये इनेबल है, इसे डिसेबल करके आप अपने डेबिट कार्ड को जो है इनएक्टिव कर सकते हो, जो कि अभी डेबिट कार्ड एक्टिव मोड में है। ठीक है, नीचे में एक ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट योर एटीएम कार्ड की। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड प्राप्त करना है तो रिक्वेस्ट योर एटीएम कार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर नीचे में पेटीएम के द्वारा इम्पोर्टेंट करके एक सूचना दिया गया है कि अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो फिजिकल डेबिट कार्ड के रूप में आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। जी हाँ, वीजा डेबिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वीजा डेबिट कार्ड जो अभी मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल रहा है, यानी डिजिटल डेबिट कार्ड मिल रहा है। तो अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का रुपए डेबिट कार्ड जो कि फिजिकल रूप में लेना चाहते हैं तो यहां से प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको रुपए का फिजिकल डेबिट कार्ड जरूर मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको अपना वीजा डेबिट कार्ड ब्लॉक करना पड़ेगा। और जब आपका वीजा डेबिट कार्ड एक बार ब्लॉक हो जाएगा उसे आप फिर से अनब्लॉक नहीं कर सकोगे। तो आप अगर फिजिकल डेबिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो तो यहां से प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आप लोग जब अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपका वीजा डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड जो डिजिटल डेबिट कार्ड होते हैं वह रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। वीजा डेबिट कार्ड ब्लॉक करके रुपए डेबिट कार्ड आपको एप्लीकेशन में नजर आएगा और जो फिजिकली रूप में आपको मिलेगा जिससे आप कैश विड्रॉवल वगैरह कर सकते हो एटीएम से या फिर स्वाइप मशीन में स्वाइप कर सकते हो, वह आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। तो अभी जो है वीजा डेबिट कार्ड फिजिकली रूप में नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल रूप में वीजा डेबिट कार्ड मिल रहे हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम वीजा डेबिट कार्ड को खोए, यानी कि वीजा डेबिट कार्ड के जगह पर रुपए डेबिट कार्ड दिया जाए, तो फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करने का अभी आप ना सोचे, नहीं तो इसके जगह पर आपको रुपए डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा। जैसे ही फिजिकल डेबिट कार्ड वीजा डेबिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही मैं एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाकर दूंगा कि इसका चार्जेस वगैरह क्या है और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ इससे बेनिफिट होने वाला है। आप यहां पर देख भी सकते हो वीजा डेबिट कार्ड मिल चुका है। व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करके आप लोग यहां पर अपना जो पासवर्ड क्रिएट किए रहते हो 4 डिजिट का वह पासवर्ड एंटर करोगे तो आपका यहां पर सीवीवी वगैरह सारा कुछ दिखाया जाएगा और टोटल कार्ड नंबर आपको यहां पर नजर आ जाएगा। चलिए एक बार हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं।
तो यहाँ पर हमने पासकोड एंटर कर दिया है। पासकोड एंटर करने के बाद डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल बता दिया गया है, जैसे डेबिट कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपायरी, उसके बाद CVV, ये सारा डिटेल यहाँ पर बता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि यह वीजा डेबिट कार्ड आखिर मिला कैसे और आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि यह जो वीजा डेबिट कार्ड मिला है वो नया अकाउंट पर मिला है। अगर आप लोग नया अकाउंट ओपन करवाते हो तो इसमें चांसेस रहता है कि आपको वीजा डेबिट कार्ड मिल सकता है, लेकिन हर अकाउंट पर आपको मिलने की चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि मैंने भी इस तरह की बहुत लोगों से ट्राई करवाया था जिसमें ऐसा लग रहा है कि 10 अकाउंट अगर ओपन होते हैं तो एक न एक में वीजा डेबिट कार्ड जरूर मिलता है। तो अगर आप लोग अपना नया सेविंग्स अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे, हो सकता है अगर आपका लक अच्छा रहा तो उसमें आपको वीजा डेबिट कार्ड जरूर मिल जाएगा। दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक के वीजा डेबिट कार्ड के ऊपर हम एक डिटेल में पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सबसे ऊपर लिंक दे दिया है, जिस लिंक पर क्लिक करके बड़े ही आराम से वीडियो को देख सकते हैं। पर एक और बात मैं बता दूं कि यह अकाउंट ऑनलाइन KYC से ओपन नहीं किया गया था, बल्कि थंब लगाकर जो KYC होता है उससे यह अकाउंट ओपन किया गया और उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक का वीजा डेबिट कार्ड मिला। अब यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि जिनको पहले से रुपे डेबिट कार्ड मिला हुआ है वो लोग भी कमेंट किए हुए थे कि अगर हम अपना रुपे डेबिट कार्ड बंद करवा देते हैं और फिर से डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो क्या हमें वीजा डेबिट कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस तरह के गलती ना करें, क्योंकि अगर आपका लक खराब रहा तो यहाँ पर आपको फिर से रुपे डेबिट कार्ड ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी सूचना नहीं मिला है जिसमें यह स्पष्ट हम आपको बता सके कि पुराना वाला यूजर को वीजा डेबिट कार्ड दिया गया है या फिर दिया जा रहा है या फिर इस तरह के प्रोसेस है जिससे आप वीजा डेबिट कार्ड ले सकते हैं ओल्ड अकाउंट पर। हम आपको बता दें कि अगर आप पहले से रुपे डेबिट कार्ड जो फिजिकली रूप में ले चुके हो तो उसे आप ब्लॉक करोगे और फिर से यहां पर अप्लाई करोगे तो आपका जो डेबिट कार्ड का रुपया है जो फर्स्ट टाइम आपको लगा है वो फालतू में चला जाएगा। इसलिए जैसे ही पुराने अकाउंट पर कुछ खबर हमें मिलता है कि कैसे कैसे यहाँ पर प्रोसेस करके आप वीजा डेबिट कार्ड ले सकोगे तो इस पर हम एक डिटेल में जरूर वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में सारा डिटेल पूर्वक हमने जानकारी दे दिया है और साथ ही साथ वीजा डेबिट कार्ड भी हमने बता दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।